माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने शनिवार को आस्था की डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के अनुसार सायं 6 बजे तक लगभग 38,20,000 स्नानार्थियों व श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का अनौपचारिक समापन हो गया और कल्पवास आज खत्म हो गया। वैसे मेला का समापन अंतिम स्नान पर्व 8 मार्च महाशिवरात्रि पर होगा। मेला प्रशासन के अनुसार सुबह 10 बजे तक लगभग 18,60,000, दोपहर 12 बजे तक लगभग 25,50,000, 2 बजे तक लगभग 30 लाख, 4 बजे तक लगभग 35,50,000 तथा सायं 6 बजे तक 38,20,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को काई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। माघ मेला क्षेत्र में अपने स्वजनों से बिछड़ने वाले लोगों के लिए खोया पाया केंद्र से लगातार अनाउंस कर उनके स्वजनों से उन्हें मिलाया गया। श्रद्धालुओं को मेले में भटकना न पड़े, इसके लिए संगम जाने का मार्ग, वापस लौटने का मार्ग व अन्य मार्गों को प्रदर्शित करते हुए साइन बोर्ड रास्तों पर लगाए गए हैं। माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं माघ मेले क्षेत्र के अंदर भी इस उद्देश्य से की गई है, श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त हैं, जिसमें NDRF से लेके प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस, SDRF और फ्लड कंपनीज के जवान, बाढ़ राहत दल के जवान, सभी लोग व्यवस्थापित किए गए हैं। महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन चेंजिंग रूम्स के आसपास और महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है। सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की इकाइयाँ अपना अपना योगदान दे रही हैं। ATS के कमांडोज, RAF की टीमें, SDF की टीमें, एंटी क्राइम टीम, एंटी रोमियो टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी ड्यूटियों को गंभीरता के साथ योगदान दे रहे हैं और पूरा मेला सुचारू रूप से चल रहा है। CCTV कैमरे जो है उसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं, जिसका फीड हम लोग लगातार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में ले रहे हैं और कोई ऐसी चीज अनयूजुअल दिखती है तो तत्काल प्रतिक्रिया करके उसका निराकरण कर रहे हैं। इस अवसर पर ADG जोन भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक प्रेम कुमार गौतम, कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, प्रभारी अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद, अपर जिलाधिकारी मेला विवेक चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही संगम तट पर मास पर्यंत चल रहे कल्पवास का अनुष्ठान भी आज समाप्त हो गया। पौष पूर्णिमा से यहां जमे कल्पवासी माघी पूर्णिमा स्नान के बाद अपने घर को प्रस्थान करने लगते हैं। अधिकतर कल्पवासी रविवार को घर लौटेंगे, जबकि कुछ कल्पवासी त्रिजटा पर्व का स्नान कर मेला क्षेत्र छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संगम की रेती पर कायाकल्प हेतु किया जाने वाला तप कल्पवास कहलाता है। यह व्रत पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु कल्पवास का विधि विधान से संकल्प लेते हैं। वे तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में माँ गंगा, नगर देवता वेणी माधव और पुरखों का स्मरण कर व्रत शुरू करते हैं। महीने भर जमीन पर सोते हैं, पुआल और घास फूस उनका बिछौना होता है। तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा, वेणी माधव एवं पूर्वजों का स्मरण कर त्याग तपस्या के 21 नियमों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में बने अपने अस्थाई झोपड़ी या तंबू के दरवाजे के पास ये कल्पवासी बालू में तुलसी का बिरवा लगाते हैं और जौ बोते हैं। सुबह स्नान के बाद यहां जल अर्पित करते हैं। सुबह और शाम को यहां दीपक भी जलाते हैं। कल्पवास समाप्त होने के बाद वापस जाते समय वो इसे प्रसाद स्वरूप अपने घर लेकर जाएंगे। गंगा की रेती पर मास पर्यंत कठोर तपस्या के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान कर ये कल्पवासी अपने घर वापस लौटते हैं।